हाय गाइस, दिस इज़ ज़हीर सिद्दीकी। आज मैं आपको फोरम्स के बारे में बताऊंगा और उसका वर्कआउट बताऊंगा। सो गाइस, मैंने ज़्यादातर देखा है कि फोरम्स का वर्कआउट हम जिम में मतलब उतना ज़्यादा नहीं इंटरेस्टेड होता है इंसान। जैसे बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, बैक, शोल्डर, जो हमारे बॉडी का पार्ट है उसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उसका वर्कआउट करते हैं, बट फोरम्स की बारी आती है तो उसे स्किप करते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो मतलब उसका वर्कआउट सही से करते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, फोरम्स को भी अहमियत देना चाहिए क्योंकि वो हमारे बॉडी का वो भी एक पार्ट है। सो गाइस, उसका वर्कआउट मैं आपको बताऊंगा और ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ईजी है, इससे आप फ़ायदा उठाना। देखो, हमें एक तो पहली बात, फर्स्ट हमें ये नहीं करना है कि जैसे डे वाइज डे एक डे इसके लिए सजेस्ट करना है कि हाँ चलो आज फोरम्स का डे है तो फोरम्स का वर्कआउट करना है, ऐसा भी नहीं है। हमें सीधी सी बात है, सीधा सीधा हमें वर्कआउट हमारा जैसा छोटा मसल जो है बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया या शोल्डर हो गया, वो फिनिश होने के बाद हमें सिर्फ 15 मिनट्स ज़्यादा नहीं है, इतना अगर हमने कर लिया ना इसका फोरम्स का वर्कआउट, तो ये बॉडी के लिए हमारे बहुत अच्छा हो जाएगा और ज़रूरी ये करना चाहिए। बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और कितना करना आपको कंटिन्यू, मतलब डेली नहीं करना है, मतलब हफ्ते में सिर्फ एक दो बार, वन वीक में अगर टू टाइम भी आपने कर लिए तो मोर देन बहुत हो जाएगा आपके लिए, और ज़रूरी है, करना चाहिए। और उसके ज़्यादा मतलब कुछ सेट्स भी मतलब इतना नहीं है कि हैवी है, जान पे आपके आ जाएगा कि हाँ मैं नहीं कर सकता, नहीं, इजीली है, नॉर्मल लाइट है। एक वर्कआउट आपका फिनिश हुआ, बस ये सोच लो हाँ मुझे इसका भी वर्कआउट करना है क्योंकि ये मेरे बॉडी का मसल है, ये भी दिखना चाहिए, ये भी बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि चलो ठीक है यार स्किप करते जा रहे हो, फिर उसको कभी उसका वर्कआउट ही नहीं कर रहे, उसको सोच ही नहीं रहे कि हमारे बॉडी का पार्ट है, ये नहीं होना चाहिए। इसका वर्कआउट हमें अच्छे से करना है और बस हफ्ते में से दो बार करना है। सिंपल सा रिस्ट कर्ल ले लो या डंबल ट्विस्ट ले लो या डंबल टर्न ले लो, 3-4 या बैंड और ले लो बैक करके, 3-4 4-5 अगर वेरिएशन आपने अच्छे से कर दिए ना, नॉर्मल इजीली एकदम, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कर दिया आपने तो बहुत अच्छा है, आपका फोरम्स उससे चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, ब्रॉडनेस हम कोई भी सेट मारते हैं हमारा यही पहला ग्रिप आता है, सो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इसका कैसा 3-4 सेट मारे तो आपका अच्छा खासा पंप हो जाएगा और कंटिन्यू, मतलब हर मसल को कंटिन्यू रखना है, जैसे हम रखते हैं वैसे ऐसे भी रखना चाहिए, सिर्फ हफ्ते में दो बार, ज़्यादा नहीं। आई होप कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो गाइस, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना,